हेलो, चैप्टर 5 की सीरीज में अरेनियस कंसेप्ट हमने देख लिया, ब्रॉनस्टेड लॉरी कंसेप्ट देख लिया फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अब हम देखते हैं एसिड बेस की लुईस संकल्पना या लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब इसमें क्या है कि जैसे अब हमने देखा कि भी कुछ कंपाउंड्स जो हैं, जैसे कि CO2 है, तो ये एसिडिक होता है व्यवहार में। अम्ल के सारे गुण होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में भी अम्ल के गुण होते हैं, BF3 में भी अम्लीय गुण होते हैं, लेकिन न तो इसमें H+ है न इसमें OH- है। तो फिर इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा कंसेप्ट आया जो कि लुईस ने दिया 1923 में। इनके अनुसार वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या जिनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वो डोनेट कर सकते हैं, और डोनेट करके एक नया कोवेलेंट बॉन्ड, नया बॉन्ड बनाते हैं जिसको कि उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध तो होता है कि जैसे ये दो यौगिकों के बीच में, जैसे दो एटम्स के बीच में, जैसे एच और एच, इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, और इस तरह से अपना एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन जो ये बॉन्ड होता है जो कि लुईस ने बताया, इसमें क्या है कि जो जिनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि जैसे BF3 लेने वाला है और NH3 देने वाला है, तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वे अम्लीय होते हैं, तथा वे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं या त्याग सकते हैं वे क्षारीय होते हैं गुणों में। अब ये कैसे होगा कि जैसे ये BF3 NH3 का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखा है, तो BF3 F F F ये कोवेलेंट बॉन्ड है जैसा कि और होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया F से, एक B से, और दो इलेक्ट्रॉन का एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आप लोगों को मालूम है सभी को। फिर यहाँ से एफ का एक इलेक्ट्रॉन बी का, लेकिन इसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ। कोई भी कंपाउंड होता है या पूर्ण एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे कि यहाँ पर बोरोन है, इनका अष्टक पूर्ण होना जरूरी है। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अष्टक पूर्ण नहीं रहा, यानी कि इसको दो इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है अगर कोई इसे दे दे तो। ठीक है, तो ये कौन है? ये ग्राही है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला पदार्थ है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये लेते हैं NH3। हमेशा ये जो समझने के लिए ये वाला कंसेप्ट, हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, NH3 अमोनिया, आपने ये सुना हुआ है नाम कंपाउंड का। इसमें ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसको कि हम लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अंदर वाले में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और बाहर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड बना लिया तीन ने, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन फिर भी इसके पास में एक्स्ट्रा हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, दे सकता है, तो ये क्या बन गया? दाता। इसको हम कहेंगे दाता। तो ये दाता, ये ग्राही। अब दाता से ग्राही की तरफ हम इस तरह से एक चिन्ह बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो डोनेटर है यहाँ पर अमोनिया में, ये सेंट्रल एटम है, और यहाँ पर ये जो बोरोन है BF3 का, ये एक्सेप्टर एटम है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो शेयर तो बिल्कुल जैसे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसी तरह से इसमें बॉन्ड माना जाता है ये BF3 और NH3। तो हम ऐसे भी ऐसे लिखते हैं इसको, आपकी बुक में भी ऐसे लिखा है, BF3 और NH3, इस तरह से इसको लिखते हैं, लेकिन इसके गुण बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होते हैं, सिर्फ एक चिन्ह अलग होता है। तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या कहते हैं इसको हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, को ऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहलाता है। ठीक
ठीक है। लेकिन इसके गुण जो होते हैं वो बिल्कुल ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे होते हैं, बस इसमें जो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी ये जैसे NH3 का बॉन्ड है, तो H H H, तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ठीक है। और इस तरह से बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और ये इधर दाता ग्राही, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये इस तरह से, ये जो बॉन्ड्स हैं तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है प्योर, लेकिन ये वाला बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन इसके गुण सारे कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होते हैं। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि जो बीच के दो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही एटम के द्वारा डोनेट किए जाते हैं, दोनों से नहीं लिए जाते हैं। जबकि जो प्योर सहसंयोजक बंध होता है उसमें हम, जो प्योर सहसंयोजक बंध है उसमें दोनों तरफ से हम लेते हैं। ये जैसे कि अगर ये है कार्बन है, मान लो मीथेन की बात करें, तो CH CH H H, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, तो सभी तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, जिसको कि हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं CH H H H, इस तरह से। तो ये इसमें सिर्फ फर्क इतना सा है इस वाले बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो मैंने अभी आपको बताया इसमें और इसमें, सिर्फ इतना सा फर्क है कि ये डोनेटर एक ही होता है इसमें, और डोनेटर से एक्सेप्टर की तरफ ये जाता है। ये देखिए आप, ये डोनेटर है नाइट्रोजन, और बोरोन जो है वो एक्सेप्टर है। तो ये जो बॉन्ड है NH3BF3 के बीच में, NH3 से BF3 की तरफ होता है, इसके अनुसार लुईस क्षार जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि लुईस क्षार जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता, और लुईस अम्ल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है और ये देने वाला है, तो ये लुईस क्षार है और ये लुईस अम्ल है। और इस जो ये कंसेप्ट है इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक जो लुईस अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता। अब इस तरह के और BF3 जैसे और कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Mg+2, क्योंकि Mg में आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके Mg+2 आयन बनाता है। सोडियम में जो बाह्यतम कक्षक है 2, 8 और 1, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे अंदर 2 फिर 8 फिर 1, तो वो से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो ये Na+ बन जाएगा, तो ये भी एक लुईस अम्ल है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन न्यून हो या पॉजिटिव आयन हो वो सब किसका कौन सा गुण रखेंगे, अम्लीय गुण रखेंगे। इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाले जो यौगिक हैं, जैसे कि अमोनिया है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, हाइड्रोक्साइड जिनमें नेगेटिव आवेश है उसका मतलब उसमें भी इलेक्ट्रॉन अधिकता में है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये जो आयन है वो क्षार की तरह एक्ट करेंगे या क्षार की तरह के गुणों को प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से अम्ल व क्षार केवल H+ और OH युक्त पदार्थ ही नहीं होते, बल्कि और जो पदार्थ हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऐसे वाले पदार्थ जिनमें कि हाइड्रोजन और ये न भी हो, तब भी हम उनको बता सकते हैं कि किस तरह से ये अम्ल है, कैसे अम्ल है और कैसे ये क्षार है। तो ये समझ में आ गया आपको कि जो भी पॉजिटिव आयन्स होते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रॉन न्यून होंगे, तो इसलिए वो अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो अब सामान्य गुण कौन से होगा इनमें, कौन से जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो अम्लीय होंगे, तो वही अम्ल के सारे गुण होंगे। नीले लिटमस को लाल करने का होगा, ठीक है, और क्षार होंगे तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये अभिक्रिया है एक, जिसमें कि अगर जिंक के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाए तो एक गैस निकलती है जो कि हाइड्रोजन गैस होती है, और साथ में ये लवण भी बनता है। ये आपको यहाँ पर चित्र भी बताया गया है, और इसको लैब में भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये चित्र में अपने को बताया गया है कि
कि किस तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल तनु लेके जिंक के ऊपर अगर डालेंगे तो ये गैस को हम एकत्रित भी कर सकते हैं साबुन के ऊपर, विलयन के ऊपर। साबुन का विलयन लिया था, हाइड्रोजन से भरे हुए बुलबुले निकलते हैं फिर वहाँ से, तो उससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है। अच्छा, एक और है कि धातु से क्रिया करते हैं उसका हमारा दैनिक जीवन में कहाँ पता चलेगा कि भाई जो अम्ल है वो धातु से क्रिया करते हैं। आपने देखा होगा कि हम खट्टे पदार्थों को किसी धातु के बर्तनों में नहीं रखते हैं, जैसे कि तांबे के बर्तन में हम किसी छाछ को नहीं रखते हैं, या कोई भी दही वगैरह हो ऐसी चीज को हम पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं जिसमें कि कोई रिएक्शन होने का चांस हो या कोई भी उसमें जहरीला होने का चांस। जहरीला का मतलब ही होता है कि जो अपने गुण समाप्त करके और नई चीज बना दे, तो वो एक तरह से इसीलिए खट्टे अम्लीय पदार्थ जो धातु से क्रिया कर लेते हैं तो इसलिए उन बर्तनों में नहीं रखे जाते हैं। फिर जिंक धातु, सभी जानते हैं जस्ता धातु किस तरह की होती है। जिंक धातु क्षार NaOH के साथ भी अभिक्रिया से भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अगर अम्ल से क्रिया करवाएं चाहे क्षार से क्रिया करवाएं। इसमें सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बनता है और हाइड्रोजन बन जाती है। ठीक है। और लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सभी धातुओं की क्षार के साथ क्रिया से हाइड्रोजन गैस बने, तो इस तरह के भी एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि सभी जो भी हम पढ़ते हैं उनके कहीं ना कहीं अपवाद भी होते हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट है वो ये बता रहा है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ भी क्रिया करके लवण और जल देते हैं। अब धातु ऑक्साइड और ये अम्ल है, इसका मतलब धातु ऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं क्षार की तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है। और क्योंकि कोई भी अम्ल और क्षार रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, जैसे यहां बना हुआ है ये। तो अम्ल धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया करवाने पर लवण व जल बनते हैं, तो ये अम्ल है यदि तो इसका क्षार होना जरूरी है, ये क्षारीय है। जो यूप्रिक ऑक्साइड है वो क्या है, क्षारीय, तो इसीलिए ये अम्ल से क्रिया करके CuCl2 लवण और ये दे रहा है हमें जल। इसी तरह धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो ये क्षारीय प्रवृत्ति के हो गए। तो क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो ये अम्लीय प्रवृत्ति के। अब यहाँ पे CuO जो है वो तो क्षारीय प्रकृति का है क्योंकि ये HCl के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब यहाँ पर CO2 जो है वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रही है, इसका मतलब CO2 का जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो क्या होगी, अम्लीय होगी। तो CO2 अम्लीय है जो कि इस क्षार के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्षार है इसके साथ क्रिया करके और एक लवण कैल्शियम कार्बोनेट व जल का अणु बनाते हैं। और सभी अम्लों और क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में भी किया जाता है। और सभी अम्ल जो है वो चारों से अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी कभी अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो HCl NaOH जैसे दोनों हैं तो दोनों अपने अपने गुण समाप्त करके NaCl बना देंगे जो कि एक लवण है। इसमें न तो NaOH का गुण है और न ही HCl के गुण हैं, ये एक नया ही यौगिक बन जाता है, तो ये उदासीनीकरण के कारण होता है। दोनों क्योंकि अपोजिट होते हैं नेचर में। अब इनका उपयोग क्या है, अम्ल और क्षारों का, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये अम्लों और क्षारों का क्या, ये उपयोग क्या है दैनिक जीवन में। तो दैनिक जीवन में हम जानते हैं बहुत सारे उपयोग हैं अम्ल क्षार और लवण के। क्या क्या उपयोग हैं, क्योंकि इनको खनिज अम्ल कहा जाता है, ये खनिज में, खनिज जो होते हैं उनमें ये, क्योंकि जबकि पौधों व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कौन से अम्ल कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जैसे कि सिट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। और खनिज अम्ल वे हैं जो कि उद्योगों में काम आते हैं, इसीलिए हम उनको खनिज अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये उद्योगों में काम आते हैं, जैसे कि दवाई उद्योग में, पेंट में, जो पेंट्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स काम आते हैं। और उर्वरक,
खाद बनाने में काम आते हैं, और HCl जो है वो उद्योगों में काम आता है, बॉयलर को अंदर से साफ करने में काम आता है, ठीक है, सिंक सैनिटरी और इनको सबको साफ करने काम आता है, क्योंकि ये जो भी जमा हुआ सॉल्ट होता है कहीं पर भी, आपने देखा होगा कि नल वगैरह इन पर भी काफी कुछ जम जाता है, ठोस सॉलिड से होते हैं वो जम जाते हैं जो कि पानी में अघुलनशील होते हैं, तो जब पानी उड़ जाता है तो नीचे वो सॉल्ट रह जाते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि हम सफाई के लिए भी सल्फ्यूरिक अम्ल को काम में लेते हैं, और कभी कोई बहुत वैसी चीज घोलनी होती है जैसे कि HCl वगैरह है, उनमें जो हमारे नलों पे जमे रहते हैं कैल्शियम सल्फेट हैं, सिंक में जमे रहते हैं, वो सब इसमें घुल जाते हैं और साफ हो जाता है। और एक और जैसे कि नाइट्रिक अम्ल और HCl, उसका एक मिक्सचर होता है 1:3 का, 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl को यदि मिलाएं तो इसको हम कहते हैं एक्वारेजिया या अम्लराज। अम्लराज क्या होगा, ये बहुत ही काम आता है उद्योगों में, खास करके जो मेटलर्जी जो होती है, यानी कि जहां पे धातु कर्म होता है वहां पे ये काम आता है, जिसमें कि HNO3 और HCl इसका 1:3 पार्ट मिला रहता है इसमें, जिसको हम अम्लराज कहते हैं या एक्वारेजिया, एक्वारेजिया भी बोलते हैं इसको। तो ये काफी काम की चीज है उद्योगों में और ये काफी महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सी चीजें धातु इसमें घुल जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि कई बार घरों में सोना सोने की चीजों को साफ करने वाले लोग आ जाते हैं, तो वो इसी एक्वारेजिया का विलयन लेकर के आते हैं, और जो सोने की के गहने होते हैं उनको कई लोग उनसे धुलवा लेते हैं कि हाँ हाँ साफ कर दो आप, वो साफ नहीं करते हैं बल्कि उसमें से सोना भी कम करके ले जाते हैं, सोना जो है वो उस एक्वारेजिया में घुल जाता है, जिसको कि वो अपने साथ लेके चले जाते हैं, और जो गहने होते हैं उनको वो हल्का करके चले जाते हैं, उनमें से सोना निकाल के वो लेके चले जाते हैं। तो इस तरह के काम हमें बच के रहना चाहिए ऐसे कामों से, किसी को भी अपने घर बुला करके और अपने सोने की जो गहने हैं वो साफ नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि इस एक्वारेजिया में सोना भी घुल जाता है, इसमें धातु घुल जाते हैं, ये अम्लों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड को, और ये जो एक्वारेजिया है ये धातुओं सोने जैसे धातु को भी विलय कर देता है, इसलिए ये एक्वारेजिया साथ में लेके आते हैं जो गहने साफ करने वाले, और वो गहनों के साथ साथ में उसमें से सोने को भी साफ कर लेते हैं, तो इसलिए ये काम नहीं करना। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो सेल कार बैटरी और उद्योगों में काम आता है, सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लराज कहा जाता है क्योंकि वो अम्लों का राजा है, बहुत सारे उद्योगों में काम आता है। आप ये देखिए कितनी अलग बात है कि किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर को उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापा जाता है, यानी कि जितना सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती होगी इसका मतलब उद्योगों में उतनी ही प्रगति हो रही है, ठीक है। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल HCO3 और एसिटिक अम्ल, ये सिरके के रूप में, आपको ध्यान है कि सिरका हम जो काम में लेते हैं खाने में, चाइनीज फूड जो आजकल आप लोग काफी खाते हैं उनमें सब में ये काम आता है, सिरका अचार में काम आता है, तो ये प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है, प्रिजर्वेशन के लिए, खाद्य पदार्थों को सहेज कर रखने के लिए काम आता है, अचार आदि को संरक्षित करने में, लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में। और अब क्षारों का क्या उपयोग होता है, क्षारों का सबसे ज्यादा उपयोग तो होता है साबुन बनाने में, आपको मालूम है कि जब भी कई लोग घरों में भी साबुन बनाते हैं तो वो क्या काम में लेते हैं, कास्टिक सोडा कास्टिक पोटाश इनको काम में लेते हैं साबुन बनाने में और अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट्स बनाने में, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योगों में, इन सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड क्षार है, कैसा क्षार है, दुर्बल क्षार, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक दुर्बल क्षार है, प्रबल क्षार को तो हम डाल नहीं सकते मिट्टी में, तो ये दुर्बल क्षार होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम मिट्टी में डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे कि अगर मिट्टी में अम्लता हो तो वो
कम हो जाती है इससे, तो अम्लता को दूर करने काम आता है। और जैसे चूना, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्चुअली चूना है, और तो ये कीटनाशक के रूप में भी काम आता है, तभी हम दीवारों को इससे हम साफ करते हैं। या बारिश के बाद में हमारे यहाँ दिवाली आती है, तो अक्सर सभी लोग वाइट वॉश करते हैं, ठीक है। तो ये चूना जो है वो काफी कुछ कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है, और कीटनाशकों का एक घटक भी है ये, मतलब एक कंपोनेंट है जो कि अच्छा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये पेट की एसिडिटी को दूर करने के काम आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता अपने शरीर में, अंदर जाके पेट में, तो इसलिए ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम शरीर में, यदि पेट में यदि अम्ल की अधिकता हो जाए, तो जिसको कि हम एसिडिटी कहते हैं, HCl जो पेट में हमारे ऑलरेडी होता है, यदि उसकी ज्यादा मात्रा हो जाए HCl की, तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, या यानी कि अम्लता अधिक हो जाती है हमारे पेट में। उसे कम करने के लिए हमें फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये पीना पड़ता है, या तो इसकी गोली ली जाती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, एंटासिड, यानी एसिड का एंटी, जो एसिड को खत्म करने काम आता है, तो वो उपयोग में लिया जाता है। एंटासिड पेट की अम्लता और पेट की कब्ज को दूर करने के काम में लिया जाता है, यानी एक दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। और दैनिक जीवन में लवणों का महत्व, अब लवण भी, क्योंकि जब हमने अम्ल और क्षार पढ़ लिए, तो अब लवण, लवण कई तरह तरह के लवण हैं जो कि हमारे काम आते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट को देखें, तो ये मार्बल जो है वो एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ठीक है। तो ये उसमें काम आता ही है, बिल्डिंग उद्योग में कितना काम आता है मार्बल, अपन सभी जानते हैं, हर जगह मार्बल को काम में लिया जाता है, फर्श बनाने में, धातु कर्म में, मेटलर्जी में, यानी कि जहां पर हम धातुओं को वो करते हैं, निकालते हैं, अलग करते हैं धातुओं को, तो वहां पर ये काम आता है। अच्छा, फिर ये देखिए आपके धातु कर्म में कैल्शियम कार्बोनेट धातु कर्म में लोहे के निष्कर्षण में काम आता है, आयरन के निष्कर्षण में काम आता है, फिर सीमेंट बनाने में भी उपयोग में लिया जाता है इसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। आजकल तो जो भी मार्बल की जो फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं, वहां पे जो सफेद पाउडर निकलता है उसका, उसे फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है। पहले उसको इधर उधर फेंक दिया जाता था, जिससे कि पर्यावरण और जमीन जो है वो खराब होती थी, लेकिन अब उसको सीमेंट उद्योग में भेज दिया जाता है, तो वहां वो सीमेंट उद्योग में काम आता है। फिर ये जो कपड़े धोने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि हम खाने का सोडा कहते हैं, NaHCO3, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, ये तो सब हम जानते ही हैं, और आगे हम इनके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट, ये भी एक लवण है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये फोटोग्राफी में काम आता है। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ये हमारे खाद बनाने में काम आता है, और विस्फोटक बनाने में भी काम आता है। नाइट्रेट जो होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बनाने में काम आता है, विस्फोटक छड़े बनाने में काम आता है। और फिटकरी, पहले भी हम इसके बारे में जान चुके हैं, ये इतना बड़ा इसका फॉर्मूला है लेकिन आसानी से याद हो जाता है, K2SO4 L2SO4 ट्राइस 24H2, इसको जल के की सफाई के लिए काम में लिया जाता है। और भी कई सारे ऐसे लवण हैं जिनको हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीएच स्केल। नेक्स्ट वीडियो में हम पीएच स्केल के बारे में